जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देशानुसार 10 जनवरी से होने वाले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 वर्ष के ऊपर के लोगों का बूस्टर प्रिकॉशन डोज टीकाकरण का शुभारंभ महिला जिला अस्पताल एवं कलेक्ट्रेट में बने कोविड कंट्रोल रूम के लोगों को टीका लगवा कर किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज लगाया गया तथा आला अधिकारियों सहित कलेक्ट्रेट और अन्य विभाग के कर्मचारियों ने आकर अधिक संख्या में अपना बूस्टर डोज लगवाया, जिससे उनकी इम्यूनिटी पहले की अपेक्षा और अधिक मजबूत हो सके। डिप्टी डीएचई आईओ सुनीता पटेल ने भी बूस्टर डोज लगवाया, जिसके संबंध में डिप्टी डीएचई आईओ सुनीता पटेल ने बताया कि जनपद में बूस्टर डोज की शुरुआत हुई है और कोविड कंट्रोल सेंटर में भी एक बूथ लगाया गया है और कई प्रशासनिक अधिकारी आकर अपना बूस्टर डोज लगवाया है। उन्होंने बताया कि मैं खुद बूस्टर डोज लगवाई हूं और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही हूं। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में जाकर कर्मचारियों से बताया कि कोविड कंट्रोल रूम सेंटर पर बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। यह जानने के बाद कर्मचारी भारी संख्या में आकर अपना बूस्टर डोज लगवाया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और काफ़ी संख्या में संक्रमण फैल रहा है और बूस्टर डोज लेने पर काफ़ी राहत महसूस होगी तथा सभी लोग टीकाकरण करवाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। वहीं बूस्टर डोज लगाने आए लोगों ने सरकार को धन्यवाद, आभार प्रकट किया। सोमवार को बूस्टर डोज प्रिकॉशन डोज लगवाने वालों में 1103 लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिप्टी डीएचई आईओ सुनीता पटेल और बूस्टर डोज लगाने आए कर्मचारियों शिव कुमार मौर्य, विनय सिंह, मातादीन मौर्य, अनुपम सिंह तथा सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा। आपको तो ऐसा महसूस शिव कुमार मौर्य यही कलेक्ट्रेट गोरखपुर में काम करते हैं। आज आप बूस्टर डोज लगवाए क्या? अच्छा लग रहा है। बहुत पहले कब लगवाया था? इसके पहले मैं 28 मार्च को लगवाया, 28 फरवरी को लगवाया था। दूसरा डोज कब लगवाया था? दूसरा डोज मार्च में लगवाए थे हम, शायद मार्च में। आज बूस्टर डोज लगवाया, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी उनका जो है बहुत अच्छा काम है और इसके लिए जो है कम से कम कोविड 19 से संबंधित उनका जो है अच्छा वो है काम करने का। हाँ, आज जनपद में बूस्टर डोज की शुरुआत हुई है। यहाँ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में भी एक बूथ लगा हुआ है और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी अभी आके लगवाए भी हैं, जैसे एडीएम एफआर सर हैं, एडीएम प्रशासन सर हैं और भी कई अन्य अधिकारी लगवाए हैं। मैं भी यहाँ पे अपना बूस्टर डोज लगवाई हूँ और पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। क्या कितने लोगों की यहाँ उम्मीद है, क्या कितने लोग आ सकते हैं? अधिकतम काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, चूँकि अभी मैं और सीएमओ सर और यहाँ के ईडीएम हम लोग गए थे कलेक्ट्रेट के सारे अधिकारी और कर्मचारी को एक तरह से बता के भी आए हैं कि यहाँ बूस्टर डोज लग रहा है, जिसका 9 माह पूरा हो गया है सेकेंड डोज से, वो आके लगवा लें। तो आ रहे हैं, लगभग काफ़ी संख्या में भीड़ है और उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे लग जाएगा। कब तक लगेगा? 5 बजे तक। जनता से क्या कहना? जनता से मैं यही अपील करना चाह रही हूँ कि अभी जैसा कि तीसरी लहर का केसेज बढ़ना चालू हो गया है और काफ़ी संख्या में संक्रमण फैल रहा है, तो
बूस्टर डोज ले लेने पे काफ़ी राहत महसूस होगा, और भी जैसे बच्चों का जो लग रहा है 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन, वहाँ भी अभिभावक थोड़ा आगे आके सारे लोग अपने बच्चों को टीकाकरण करवाएं, और जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज से वंचित लोग हैं वो लोग भी आगे आकर टीकाकरण अपना करवा लें। टीकाकरण करवाने से काफ़ी सुरक्षित हो जाएंगे और संक्रमण क्षमता कम हो जाएगी। विनय सिंह, बूस्टर डोज लगवाएं क्या? जी आज, हाँ आज मैंने बूस्टर डोज लगवाया 10/1/2022 को। हम यहीं डीएम ऑफिस में कलेक्ट्रेट में सूट बाद लिपिक के पद पर हैं। हाँ, इसके पहले फरवरी में लगाया था सेकंड डोज, थर्ड डोज 10/1/2022 को लगा। क्या कहेंगे योगी सरकार? हाँ, सभी लोग लगाएं इसको, इससे जो है कोरोना संक्रमित होने से बचेंगे आप हम लोग। योगी सरकार ने क्या? हाँ, योगी सरकार जी ने बहुत अच्छी ये कार्य उन्होंने भाजपा सरकार ने की, और भी बढ़िया हो रहा है शासन में। कर्मचारियों के लिए शिविर लगा करके ई डिस्ट्रिक्ट में कोरोना टीका का बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है, हम लोग भी लगवाए हैं। माता दिन मौर्या बंदोबस्त अधिकारी चकुनी गोरखपुर। ये अच्छा लगा जो है, ये सरकार की और भारत निर्वाचन आयोग की ये निर्देश हैं कि सभी कर्मचारी और अधिकारी जो भी निर्वाचन कार्यालय में लगे हैं उनको बूस्टर डोज लगवाया जाए, जो है वो लगवाएं, जिससे कि जो है COVID-19 से वो बच सकें और निश्चित रूप से निर्वाचन कार्य संपन्न करा सकें सुरक्षित रूप से जो है। इसलिए अनूप सिंह, नागरिक सुरक्षा विभाग गोरखपुर। बूस्टर डोज लगवाया, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी बहुत अच्छा था, ये कार्यक्रम सफल हो रहा है और काफ़ी इसे आराम मिला, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। योगी सरकार क्या कहेंगे? हैं, योगी सरकार क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा ये प्लान है, सफल रहा ये कार्यक्रम, इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है, न अब तक हम लोगों को कुछ इस प्रकार की समस्या हुई है। देखिए, आज 60 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, उसमें जो है महिला चिकित्सालय में एक मैंने बेटी से उसका फीता कटवाया, और फीता कटवाने के बाद मैंने पहली खुराक स्वयं लगवाई, और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को गोरखपुर कर रहा हूं कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं, जो प्रथम डोज के लिए एलिजिबल हैं प्रथम डोज, जो सेकंड डोज के लिए एलिजिबल हैं वो सेकंड डोज, और जो थर्ड डोज के लिए एलिजिबल हैं वो थर्ड डोज की वैक्सीन लगवाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वैक्सीन लगवा के रखेंगे उतनी जल्दी आप लोग जो है सुरक्षित रहेंगे। सर, कंट्रोल रूम में लग रहा है? प्रत्येक जगहों पर मैं लगा रहा हूँ, प्रत्येक जगहों पर मैं वैक्सीन लगा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके।